यूपी के पीलीभीत जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद जल्लाद बने पति ने नशे में धुत होकर गर्भवती पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब पिटाई करने के बाद उसका मन नहीं भरा तो 8 माह की गर्भवती पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांध कर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। वही मामले की जानकारी मिलते ही महिला के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से विवाहित को उसके पति के चुंगल से छुड़ाया। बता दें कि पीड़िता के भाई ने आरोपी जीजा के खिलाफ पुलिस को मामले पर तहरीर दी है। बता दें कि घुंघचाई थाना क्षेत्र के कस्बे में रहने वाले एक युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोपी जीजा के बारे में बताया कि कस्बा निवासी राम गोपाल के साथ उसकी बहन सुमन की शादी हुई है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन के साथ आरोपी ने शनिवार को गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विवाहित को जान से मारने के लिए उसने उसे मोटरसाइकिल से पीछे बांध कर घसीटा। वहीं जब शोर सुनकर पड़ोसी और मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। फिलहाल गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता सुमन ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जब उसके पति ने मोटरसाइकिल के पीछे हाथ बांधकर कहा कि वह पीछे भागती रहे तो सुमन उसे मजाक समझती रही, लेकिन उसके बाद राम गोपाल ने अचानक से मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी और काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान उसे काफी चोट भी आई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी उसे काफी दूर तक खींचता ले गया। वहीं थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही ने बताया कि आरोपी राम गोपाल को हिरासत में ले लिया गया है, उसके खिलाफ जानलेवा करके मामले अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।